बॉर्डर पर बड़ी बड़ी कीलें, कांटेदार फेंसिंग करके दिल्ली के बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल सबसे कॉमन सवाल सा है, ये जहां देखिए सोशल मीडिया पर यही सवाल है। अब इसको लेकर जो कथित प्रोग्रेसिव लोग हैं वो सिर्फ एक पक्ष की बातें कर रहे हैं, वो इसको भारत के एलएसी से कंपेयर कर रहे हैं। उन्हें अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर का जवाब सुनना चाहिए। उन्होंने जो जवाब दिया है उस जवाब को सुनने के बाद अब उनके पास कोई सवाल नहीं बचेगा, क्योंकि उन्होंने उन तमाम सवालों का कुछ इस तरीके से जवाब दिया जिसे सुनकर हर कोई सन्नाटे में चला जाएगा। मुझे ताज्जुब है कि जब 26 तारीख को जिस प्रकार से जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, सभी पुलिसकर्मी पे चढ़ा करके बैरिकेड को तोड़ करके सब कुछ किया गया, तो आप उस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा। हमने क्या किया है? हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया, सिर्फ मजबूत किया, ताकि बारंबार उसको तोड़ा ना जाए। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने हालिया आंदोलन और हिंसा के दौरान धैर्य दिखाने के लिए भी दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनकी तारीफ की है, क्योंकि लगातार जो है जवानों पर हमले की जो तस्वीरें देखी थी देश ने, उससे मनोबल बहुत हतोत्साहित हुआ था। उन्होंने जवानों से कहा है कि आपको उकसाने का प्रयास किया गया लेकिन आपने अपना धैर्य बनाए रखा। वाकई में जो उस दिन की तस्वीरें थी वो कोई भी ये कह सकता था कि पुलिस भी अगर उसी तरीके से कार्रवाई करती तो नज़ारा कुछ और होता। पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव ने कहा है कि हमें आंतरिक इनपुट और सूचना के आधार पर शांति बनाए रखने के लिए अपनी रणनीति बनाने की आवश्यकता है, यानी कि अभी भी आगे भी पुलिस इस तरह के सख्त कार्रवाई, जिस तरीके की फेंसिंग और किले लगाई गई है उस पर, उस नीति को वो जारी रखेगी। उन्होंने पुलिस के जवानों को उनकी ड्यूटी पर मुस्तैद रहने के लिए सराहते हुए कहा है कि उन्होंने गाजीपुर सीमा क्षेत्र का दौरा किया और वो CRPF और RPF टीम से भी मिले, जो खराब मौसम के बावजूद भी जो है वो लगातार अपनी ड्यूटी वो जवान कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। इसको लेकर भी उन्होंने उन तमाम जवानों का जो है हौसला अफजाई किया है। मैंने देखा कि आप लोग जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और आउटर डिस्ट्रिक्ट इस रेंज के सभी पुलिसकर्मी जो जहाँ जहाँ लगाए गए थे, बड़ी मेहनत के साथ काम किया, बड़ी जिम्मेवारी के साथ काम किया। आपने काफ़ी रेजिस्ट किया, आपने नॉन वायलेंट तरीके से हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, आपने बेवजह कोई भी जोर का इस्तेमाल नहीं किया। काफ़ी समय तक आपने समझाया बुझाया उनको, आपने अन्य तरीकों से आपने उनको रोका। अंत में बहुत ज़्यादा भीड़ आई और वो फिर बैरिकेडिंग धीरे धीरे टूटी और वे बैरिकेडिंग तो कई जगहों पर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए उन्होंने जो हमारे साथ समझौता था उसका उल्लंघन किया। आप लोगों ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए आपने ड्यूटियां दी। जहां तक आउटर डिस्ट्रिक्ट की बात है, 170 के करीब आप जख्मी हुए, मुझे फिगर्स एग्जैक्टली वेस्टर्न रेंज की नहीं मालूम है, 144 की बात बता रहे हैं, लेकिन पूरे दिल्ली की बात लें तो 510 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। विभिन्न जगहों पे आप जानते ही हैं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं आप सबके कार्यकुशलता और जिस तरीके से आपने चीज़ों को हैंडल किया उसकी बहुत ही तारीफ करता हूँ मैं।